नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम शक्कर में इंटरनेशनल मार्केट की खबर आप तक पहुंचाएंगे। लंदन के अंदर चीनी 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ब्राज़ील की खबर देंगे, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से खबर देंगे और चीनी के आज के क्या भाव हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार आपको अपडेट देता है, विश्लेषण देता है, खबर देता है जो कि सत्य साबित होती हैं। दोस्तों, शक्कर पे हमने आपको यानी चीनी पे जब भी हमने खबर दी है, आपको विश्लेषण दिया है, वो सत्य साबित हुआ है। खबर निकल के आ रही है कि लंदन चीनी में मई वायदा $12.80 यानी 2.27% की बढ़त के बाद $576.20 प्रति टन पे बंद हुआ। बुधवार को चीनी की कीमतें मिली जुली रही। लंदन में पिछले 5 साल का उच्चतम स्तर के ऊपर ये रिकॉर्ड पहुंचा है इस सप्ताह के दौरान। तो दोस्तों, ये थी खबर लंदन की। अब खबर चीनी की ब्राज़ील से। ब्राज़ील के केंद्र दक्षिण में मार्च की दूसरी छमाही में कुल 1.18 मिलियन टन गन्ना की पराई हुई है, जो एक साल के पहले की तुलना में 76.3% कम है। मार्च के अंत में पराई का 89% एथेनॉल उत्पादन के लिए आवंटित कर दिया गया था। पिछले साल इस अवधि में 213 मिलियन लीटर तक पहुंच गया था, लेकिन साल दर साल 43.1% कम है। चीनी उत्पादन 92.8% घटकर 12,000 टन रह गया है। ये खबर ब्राज़ील के केंद्र दक्षिण से आई है। अब खबर मिल रही है, खबर चीनी की महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इस सीजन में गन्ना और चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसने अपने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीटर उत्तर प्रदेश को चीनी के उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है और देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अब तक महाराष्ट्र ने 1194.75 लाख टन गन्ने की पराई की है और 124.75 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। राज्य में महाराष्ट्र में 40 चीनी मिलों ने किया पराई का कार्य बंद कर दिया है। राज्य में लगभग 90 लाख टन गन्ने की पराई अभी बाकी है। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इस सीजन चीनी के उत्पादन में कमी देखी जा रही है और इसी वजह से महाराष्ट्र से आगे निकल गया है, लेकिन गन्ना भुगतान के मामले में सरकार के प्रयत्नों से चीनी मिले समय पर भुगतान करने में अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 13 अप्रैल सन 2022 तक राज्य की चीनी मिलों में 921.25 लाख टन गन्ना पराई कर 93.15 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है और वहीं यदि भुगतान के मामले में अब तक 21,426.70 करोड़ रुपए यानी 72.42% का भुगतान भी हो गया है। पिछले सीजन में राज्य में 1,027.50 लाख टन गन्ना पराई कर 110.59 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। तो दोस्तों, ये था खबर महाराष्ट्र, यूपी और लंदन की, ब्राज़ील की। अब हम चीनी के ताजे भाव के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स के रीसेल के क्या भाव हैं? ये सभी भाव में जीएसटी अतिरिक्त होगा। दोराला में 3540 के भाव हैं और मावना खतौड़ी 3525, मोदीवर 3445 और मलकपुर में 3445 के भाव रहे। सिम्बोली 3520, असमोली 3510 और घनौरा 3555 के भाव रहे। धमपुर 3455 और किनोनी 3560 के भाव रहे। बुढ़ाना में 3450, थंबरवन में 3440 और तिकोला 3460 के भाव रहे। शामली 3430 के भाव हैं चीनी के। अगौत के अंदर 3445 और सकोटी 3430 के भाव हैं। चांदपुर 3420, बिलाई 3440, बुंदकी 3430, अफजलगढ़ देवरबंद 3425 के भाव हैं। बहेड़ी 3425, तिबाई 3475 और बिजनौर 3405 के भाव हैं। चांदनपुर के अंदर 3435 के भाव हैं। ये था शक्कर यानी चीनी के उत्तर प्रदेश के भाव। इसमें जीएसटी एक्सक्लूसिव है यानी अतिरिक्त है।
दोस्तों चीनी के अंदर आने वाले 1 से 1.5 महीने में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। क्या वो तेजी का होगा या फिर मंदी का, आप विशेष रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये बड़े स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स और मिलर्स के लिए एक अच्छी रिपोर्ट साबित होती है। आपको याद होगा कि चीनी पर यानी शक्कर पर जब भी हमने तेजी या मंदी का अपडेट दिया है वो सत्य साबित होता देखा गया है। आप हमारे चैनल पर पिछले शो भी आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, दलहन तिलहन के ऊपर भी हमारी विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लोहा और कोयले के ऊपर भी हमारा विशेष एपिसोड्स बिल्कुल देखना ना भूलें। सोना चांदी तांबा इन सभी के ऊपर विशेष रिपोर्ट हैं। और शेयर बाज़ार के ऊपर भी आप हमसे विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर हैं, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।